आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड से रेसिपी। आप इसे ब्रेड का पराठा, ब्रेड का चिला या ब्रेड का उत्पम भी कह सकते हैं। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड पसंद आने पर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक जार लिया है, उसमें ब्रेड के कुछ टुकड़े तोड़ के डाल दिए हैं। मैंने ब्रेड के चार पीसेस लिए थे। अब मैं इसमें आधा कप सूजी, आधा कप दही, कुछ टुकड़े अदरक के और दो से तीन हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद देखिए इस तरीके से हमारा कुछ पेस्ट रेडी हो जाएगा। अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। बॉल में निकालने के बाद अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। मैंने इसमें कुछ प्याज कट करके रखा हुआ है वो डाल दिया है, एक टमाटर, आधा शिमला मिर्च, एक से दो हरी मिर्च। आप चाहें तो इसमें गाजर और कुछ हरी बीन्स भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें हाफ टेबल स्पून जीरा डाला है, स्वाद अनुसार नमक, हाफ टी स्पून रेड चिल्ली और मैंने इसमें इनू डाला है। आप चाहें तो इसे बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब हमारा बैटर रेडी है। मैंने एक गैस पे पैन रख दिया है, पैन को गरम कर लिया है, उसमें एक हाफ टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। आपको इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, बस हल्का सा ही ऑयल लगाना है। अब हम इस बैटर को इस पर डालेंगे धीरे धीरे करके। पहले हमको अपने फ्लेम, गैस की फ्लेम स्लो रखनी है एंड उसके बाद तेज कर देनी है। अब हम इस बैटर को अच्छे से फैला लेंगे और इसे दो से तीन मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि हमारे इसकी पैटीज अच्छे से पक जाएं। अब हमारे दो से तीन मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी और कितना टेस्टी लग रहा है। अब हम इसको एक से दो मिनट के लिए दूसरी साइड से भी पकाएंगे। अब देखिए ये हमारा दूसरी साइड भी बहुत अच्छे से पक गया है। ये देखिए हमारा ब्रेड का चिला है उसमें बन के रेडी है। देखिए ये दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है। आप इसे प्लीज़ एक बार जरूर बना के देखिए।